कल से नहाय खाय के साथ लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो रही है। ऐसे में नहाय खाय के दिन लौकी की विशेष महत्ता है। लोग लौकी को दाल में डालकर खाते हैं या फिर लौकी की सब्जी खाते हैं। छठ व्रती जो हैं उनके लिए लौकी का खास महत्व है। ऐसे में आज बाज़ार में अगर बात करें तो लौकी का भाव काफ़ी चढ़ा हुआ है। क्या कुछ कह रहे हैं ग्राहक जानते हैं? कदुआ 80 रुपये किलो, 80 रुपये किलो जी, बिकता है कदुआ 200 पर 80 मिलेगा, 200 पर 80 रुपये, 60 पड़ब के लेके बढ़ा हुआ है। पहले कितना बिक रहा था? पहले 40 रुपये 30 रुपये किलो, अभी 80 रुपये जी पड़ब के लेके बिक रहा है। कदुआ 60 रुपये किलो बा, किलो बड़ा वाला छोटा वाला 12 वाला 50 रुपये किलो, 50 रुपये किलो गोल वाला, गोल वाला अच्छा, लंबा वाला, लंबा वाला 60 रुपये किलो। सामान्य दिनों में तो पीस के हिसाब से बिकता है? अंदिना में पीस के हिसाब से बिकता है, छठ में किलो पर बिक रहा है। छठ में किलो पर, क्या नाम हुआ? आ जाए रहा है लेकर कद्दू जी श्रीमान। कैसे मिल रहा है कद्दू? दिया है आपको ये 80 रुपये के जी, के जी के हिसाब से जी। सामान्य दिनों में तो पीस के हिसाब से बिकता है? ये मिलता है 20 रुपये 25 रुपये, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मनमाना है, मनमाना हो गया। हाँ कद्दू खरीद रहे हैं छठ पूजा को लेकर? हाँ छठ में बांटते हैं हम कद्दू। अच्छा कैसे दिया है? 60 रुपये किलो दिया है। कौन, गोल वाला कि लंबा वाला? गोल वाला, गोल वाला महंगा है काफ़ी ज़्यादा? करीब करीब मिला जुला के चल ठीक ही है, अगले साल से महंगा महंगा है। ऐसे तो पीस के हिसाब से कद्दू बिकता है? हाँ तो लेकिन अब तो ले रहा है किलो के हिसाब से, महंगा पड़ जाएगा। 10.5 किलो लिए हैं जस्ट, हम खरीदे हैं अभी, 80 रुपये दिया है। 80 रुपये महंगा है? महंगा तो है ही। अभी 5-6 दिन पहले कैसे बिक रहा? 5-6 दिन पहले 40 रुपये था, 30-40 था, 30-40। अभी जो कद्दू का क्या महत्व है छठ के लिए? कद्दू तो परंपरा आ रही है शुरू से ही कि कद्दू का प्रसाद भोग लगता है, उनका ग्रहण होता है, सब फल खाते हैं, कद्दू ही खाते हैं, तो बस वही परंपरा को हम लोग कायम रखे हुए हैं। इसी को लेकर बाजार में आज महंगा है? हाँ आज ही महंगा है, कल से तो कल नहा खा है, आज से ही महंगा है। क्या नाम? रीता शर्मा। तो जैसा कि लौकी का नहाय खाय के दिन विशेष महत्व होता है, ऐसे में बाजार में लौकी का भाव बढ़ा हुआ है। सामान्य दिनों में प्रति पीस जहां लौकी बिकता है, वहीं छठ पर्व को लेकर के प्रति किलो के हिसाब से लौकी बिक रहा है, और अभी के समय 60 रुपये से लेकर 80 रुपये प्रति किलो के बीच लौकी बिक रहा है। लोगों का कहना है कि इस बार पिछले साल की तुलना में लौकी का भाव काफ़ी अधिक है। ईटीवी भारत के लिए पटना से सहयोगी अशोक के साथ कृष्ण नंदन।